नमस्ते, मैं रीना। आप लोगों को मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिली मशरूम। चिली मशरूम बनाने के लिए 250 ग्राम बटन मशरूम, उसको धो के साफ करके बड़े बड़े पीसेस में काट लीजिए। एक को दो दो पीस कीजिएगा, एक मशरूम को दो पीस कीजिएगा। उसके बाद हमें चाहिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर, सॉल्ट, 1/4 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, 1 बड़ा सा अनियन, 1 बड़ा सा कैप्सिकम। उसको बड़े बड़े साइज में काट लीजिए, स्क्वायर साइज में, बड़े बड़े आकार में। उसके बाद चाहिए 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। हम लोग मशरूम में नमक और चिली पाउडर 1 टेबलस्पून डालकर उसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर एंड मैदा डालकर उसको भी मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम लोग एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे, डीप फ्राई करने के लिए लेना है तेल, और उसमें एक एक करके सारे मशरूम को डाल देंगे और लाल लाल करके उसको निकाल लेंगे। उसको अच्छे से हाई फ्लेम में उसको फ्राई कीजिएगा, लो फ्लेम में नहीं, मीडियम फ्लेम में नहीं, उसको हाई फ्लेम में ही आप फ्राई कीजिएगा। ऐसे ही मैंने सारा मशरूम फ्राई कर ली, करके निकाल ली हूँ। उसके बाद एक पैन गरम करेंगे। पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें पहले चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, फिर चॉप्ड जिंजर डालेंगे और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डालेंगे ऑनियन, उसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे, फिर डालेंगे कैप्सिकम। और ये सब हाई फ्लेम में ही करना है क्योंकि वो क्रंचीनेस रहना चाहिए इसमें, ऑनियन में और कैप्सिकम में वो क्रंचीनेस रहना चाहिए। थोड़ा सा उसका कच्चापन चला जाएगा, फिर हम लोग उसमें डालेंगे सोया सॉस वन टेबलस्पून सोया सॉस अभी डाल देंगे। फिर हम लोग डालेंगे चिली सॉस जो हमने लिया था, 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल देंगे 1 टेबलस्पून। फिर हम लोग चिली सॉस के बाद टोमेटो सॉस डाल देंगे 3 टेबलस्पून। उसके बाद हम चिली पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और उसको डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम लोग डालेंगे विनेगर और पिंच ऑफ शुगर। विनेगर डाले हैं तो थोड़ा सा उसका जो खट्टापन उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा शुगर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, मिला लेंगे। फिर हम लोग डालेंगे जो कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको डाल देंगे, फिर टेस्ट करके उसको, क्योंकि हमने सोया सॉस डाला हुआ है तो उसको टेस्ट करके थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अगर ज़रूरत होगी तभी डालना है, नहीं तो नहीं। फिर हम लोग
मशरूम ऐड कर लेंगे। मशरूम को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सॉस में थोड़ा सा मिलाना है। एक दो मिनट के लिए लेना है, थोड़ा थिक हो जाएगा। अभी रेडी है हम गर्मा गर्म चिली मशरूम। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।